तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं गूगल फॉर्म गूगल सीट सॉरी गूगल सीट के हम फंक्शन पे डिस्कशन कर रहे थे, तो चलिए उसी को कंटिन्यू करते हैं। एक फाइल को हम पहले लेते हैं गूगल ड्राइव से और इसको ओपन विथ गूगल सीट करते हैं। ओके सर, तो लास्ट क्लास ओके सर। कौन सी फॉर्मूला किया था? टेक्स्ट का, राइट? हेलो, डेट का हुआ है, डेट डेट का, सॉरी क्या डेट खत्म किया हो था गया है मैंने? सर। डेट हुआ था हमारा, टाइम डेट हो गया था ना सर हमारा लास्ट क्लास में? अच्छा, डेट डेट पूरा हो गया, खत्म हो गया डेट पूरा खत्म हो गया, डेट एंड टाइम खत्म हो गया ना? सर। डेट एंड टाइम खत्म हो गया सर। ओके, तो ये हमने सारे फॉर्मूला लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर लिए थे। अब डेट के बाद अगला फॉर्मूला सर हमारे, इसमें ये लास्ट ईयर फैब्रिक का है, ईयर फैक का, तो इसमें ओके, कुछ ईयर पता नहीं फ्रैंक, चला ईयर फ्रैंक में बताया तो था सर आपको कि मान सर। लीजिए कि अब कोई काम आप, ये देखिए ये बताया था आपको मैंने, मान लीजिए ना जैसे कोई काम आपने स्टार्ट किया किसी, मान लीजिए आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया किसी का कि 1 साल हम आपका काम करेंगे, उसने बोला कि चलो 5 लाख रुपए हम आपको साल का देंगे, बट आपकी कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी और आप ओके काम को जल्दी खत्म कर दिया या बीच में ड्रॉप कर दिया, तो आप 5 लाख तो क्लेम नहीं कर सकते ना क्या सर? जैसे कि हाँ मैंने सर, वो 20 तारीख को स्टार्ट जितना किया काम है और वो है। 2 10 फरवरी को खत्म कर दिया, ओके? ओके सर तो इसमें क्या हुआ कि हमने कितना परसेंट काम किया? तो हमने 16% काम किया, समझे? तो आप ये साल, 1 साल को 365 दिन लेता है, उसके अकॉर्डिंग आप जितना दिन काम करते हैं उसको 365 से डिवाइड करके उसका परसेंटेज निकाल लेता है। तो इसमें 1 साल का ही लेगा या हाँ, एक फिर साल छह या 2 साल का भी होगा तो महीने परसेंटेज बढ़ जाएगा ना, वो साल के अकॉर्डिंग चलता है सर। 365 इसका फिक्स है। अगर आप मान लीजिए ना जैसे कि 2018 कर देता हूँ मैं इसको, ये आपका 116% हो गया। क्लियर ओके है? डाउट इसमें? नहीं क्लियर सर। हाँ सर, आगे बढ़ते हैं, अगला फॉर्मूला, अगली कैटेगरी की बात करते हैं फंक्शन में। तो हमने हमने ऑपरेटर वो कर लिया, हमने टेक्स्ट कर लिया, हमने डेट एंड टाइम कर लिया, राइट? सर पर लॉजिकल भी हो गया। अब हम लॉजिकल भी हो गया सर। बात करते हैं लुकअप की। लुकअप हम आज करें, हाँ सर, हाँ सर, लुकअप में सबसे पहला आपका आता है एड्रेस, एड्रेस फॉर्मूला। जैसे कि अब रो एंड कॉलम को अगर हम नंबर में दे देते हैं तो ये आपको एड्रेस बना के देता है कि एड्रेस क्या है, समझे? सर जैसे हमने बोल दिया कि यहाँ पे तीसरा नंबर कॉलन और पहला नंबर रो, तो C1 दे दिया, तो C1 दिया। आप C1 पे कोई वैल्यू डाला हुआ है, मुझे उसकी वैल्यू चाहिए, तो आप यहाँ पे इनडायरेक्ट का फॉर्मूला लगा सकते हैं, जैसे एक्सेल पे लगाते हैं, बिल्कुल एक्सेल की तरह है सर। आ गया सर? लेकिन इसका बेनिफिट सर। क्या है, इसका यूज क्या है, तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं, ठीक है? सर इसके लिए मैं यहाँ पे नेम लिखता हूँ, यहाँ पे जैन फेब मार्च का मंथली दे देता हूँ, चलिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और नेम यहाँ पे पूजा, ओके मान लीजिए कि मुझे इसमें से नेम देता हूं और इन्हें भी जैसे मैं पूजा बोल दिया, और मुझे इसमें से Q1 का सेल चाहिए, तो Q1 कैसे निकलेगा इसमें? Q1 का तो कुछ सिस्टम है नहीं क्या?
मुझे तीनों का टोटल करना है पूरा। तो इसके लिए हम करते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले मैं यहाँ पे मैच फॉर्मूला लगाऊंगा। मैच फॉर्मूला बताएगा कि पूजा इस एरिया में है या नहीं है, तो कितने नंबर रो पे है, तो दूसरे नंबर रो पे है, राइट। फॉर्मूला लेफ्ट का राइट का, राइट का फॉर्मूला लगाता हूँ, इसमें से वन को अलग कर देता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे चूज का फॉर्मूला। चूज फॉर्मूला में मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया और बोला कि अगर ये वन है तो यहाँ पे जैन आना चाहिए, टू है तो फाइव आना, फाइव नहीं मैं अप्रैल सॉरी, हर क्वार्टर का पहला मंथ अप्रैल आना चाहिए, ठीक है सर। हाँ सर। फिर इसमें जुलाई, अगर थ्री हो तो जुलाई, एंड आपका ये चौथा हो तो अक्टूबर। तो चूज फॉर्मूला क्या होता है कि इसमें ये जो आपका बीटीएन है इसमें सिक्वेंसली है, मतलब कि वन आएगा तो पहले को, टू आएगा तो दूसरे को, थ्री आएगा तो तीसरे को, फोर आएगा तो चौथे को शो करेगा, राइट सर। आ गया जैन, टू किया अप्रैल, राइट सर। मैं वापस मैच लगाता हूँ, मैच फॉर्मूला हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों चलता है। तो मैच में मैं जैन को सिलेक्ट करता हूँ और पूरे सीट को हमने पूरे रेंज को सिलेक्ट कर दिया, कॉमा जीरो। बताया कि मैं अब यहाँ पे क्या है कि मेरे पास रो नंबर टू और कॉलम नंबर टू दोनों नंबर में, हाँ सर। तो यहाँ पे मैं मैच फॉर्म, यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे मैं एड्रेस का फॉर्मूला लगाता हूँ, ठीक है। मैं रो देता हूं और मैं बी टू आ गया, फिर वापस एड्रेस लेता हूं और एड्रेस में रो ए ले लिया और कॉलम में प्लस टू कर देता हूं डी टू। तो क्योंकि हमारा डेटा क्वार्टर वन का बी टू से लेके डी टू तक है, फिर मैं क्योंकि हम सम फॉर्मूला लगाते हैं तो सम में जो रेफरेंस चाहिए कुछ इस तरह से चाहिए B2 से। तो हमने क्या किया कि इसको सिलेक्ट किया और इसके साथ मैंने एक कॉलम देके ज्वाइन कर दिया, कैसे B2 से B2। हाँ सर, हाँ सर। लेकिन ये जो आपको दिख रहा है ये आपका नॉर्मल है, मतलब कि टेक्स्ट है, एबीसीडी है। मैं सम करोगे इसको सेलेक्ट करूंगा सम दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे हम सम के अंदर जब हम सम देंगे तो सम के अंदर इनडायरेक्ट फॉर्मूला डालेंगे, क्या डालेंगे, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, मैनुअल वन लिखा लिखा गया सर, मुझे यहाँ पर राइट का फॉर्मूला लगा हुआ था हमारा। कि इतने सारे लगे हुए हैं, अब इसको कुछ ऐसा करना है ताकि एक सेल पे आए। अब यहाँ पे एक नई चीज आपको बताने जा रहा हूँ, वो बताने जा रहा हूँ आपको फॉर्मूला मर्जिंग, कि कैसे आप कई सारे फॉर्मूला को एक सेल लगा सकते। पहले आप उसको अलग अलग लगा लिया, आपने रिजल्ट को वेरीफाई कर लिया, अब आपको वन बाय वन करना है। सबसे पहले अप्रैल में आते हैं, इसमें क्या है बी टेन है, तो मैं यहाँ बी टेन को कॉपी करता हूँ, राइट। यहाँ B10 पे B10 की वैल्यू को, B10 के फॉर्मूले को पेस्ट कर देता हूँ। तो मुझे इसको डिलीट करने में कर देना होगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है।
ओके सर, बताओ वो ये आपका है C10, राइट। जहां हाँ सर, C10 कहां, यहां है तो C10 के जगह पे C10 का फॉर्मूला मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं C10 को डिलीट कर दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं C10 को कॉपी किया, फिर इसको C10 को नहीं C11 को, C11 के फॉर्मूले को कॉपी किया, राइट सर। जहां सी हाँ सर, है वहां पे इसको हम पेस्ट कर देते हैं, जहां भी C11 है कर दिया। उसी तरह से हमारे पास B11 है, तो B12 है सॉरी, जहां पे B12 है वहां पे B12 को पेस्ट कर देते हैं। अब मैं इसको डिलीट कर सकता हूं, B12 को डिलीट कर सकता हूं। अब मैं इस एड्रेस, इसको एड्रेस वाले पार्ट को कॉपी करता हूं और यहां जहां पे C12 है, C12 के जगह पे C12 का फॉर्मूला और D12 के जगह पे D12 का फॉर्मूला। फॉर्मूल कितना बड़ा हो गया सर? एक इकट्ठा बता दो तो समझ में नहीं ना आता सर। हाँ सर, राइट सर। कॉपी करके अब मैं यहाँ पे E11 के जगह पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं इसको यहाँ से डिलीट करूंगा तो कोई फर्क नहीं है। अब मैं इसको कट करूंगा, ठीक है, कॉपी मत कीजिए वरना आपका रेफरेंस चेंज हो जाएगा। कट करके पेस्ट कर दीजिए यहाँ पे। अच्छा, ये दिक्कत है, कट करके पेस्ट नहीं होता है इसमें। आपको फॉर्मूला कॉपी कर लीजिए, ठीक है, अप्लाई कर दीजिए। इक्वल दो बार हो गए सर। ओके सर, अब इतना बड़ा फॉर्मूला लगाना मुझे, एक बार मैं आपको बताता था आपको समझ में नहीं आता ना सर। हाँ सर, राइट सर, राइट। आ गया तो इसमें हाँ आपने सर, क्या सीखे? इसमें सबसे पहले आपने सीखा इनडायरेक्ट फॉर्मूला, आपने सीखा एड्रेस फॉर्मूला, आपने सीखा मैच फॉर्मूला और आपने सीखा सर, फॉर्मूला। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को मर्ज करना सीखा, क्लियर है? ओके डाउट सर, इसमें सर? नहीं कोई डाउट नहीं सर। अब आते हैं फंक्शन के अगले लिस्ट पे, लॉजिकल फंक्शन, इस पे लुकअप फंक्शन पे। तो चूज हो गया। अब हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं कॉलम के एंड रो के। हमने यहां पे एड्रेस कर लिया, चूज कर लिया हमने, इनडायरेक्ट भी हमारा हो गया और मैच भी हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं इसमें कॉलन एंड कॉलन फॉर्मूले। तो सबसे पहले कॉलन फॉर्मूले को जानिए। कॉलन फॉर्मूला क्या करता है? एक नई जैसे कि मैंने यहाँ पे रो फॉर्मूला कॉलम दो फॉर्मूला दीजिए। अब मैं जैसे कि मान लीजिए रो फॉर्मूला करता है क्या चीज, जानने दीजिए आप पहले। कि रो फॉर्मूला मैंने लगाया तो जिस सेल में लगेगा उस सेल का रो नंबर देगा, या फिर जिस सेल का हम कर्सर देंगे, जैसे मैंने E4 कर दिया तो आपका फोन नंबर रो देगा। अब इसका यूज और भी है, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर दे दिया ना सर, इसको यहाँ नीचे ड्रैग कर देता, बीच में से हमने कुछ कॉलम डिलीट कर दिए, कुछ रो डिलीट कर दिए, माफ कीजिए, रो या कॉलम डिलीट कर दिया, पर आपका सीक्वेंस मेंटेन नहीं हुआ ना सर। हाँ वो, तो यहां पे अगर मैं रो का फॉर्मूला लगाऊं तो रो का फॉर्मूला क्या करेगा, इस सीक्वेंस को मेंटेन कर देगा। यहां से डिलीट करूं, ओके सर, ओके सर। प्रॉब्लम ये है कि मैं सीरियल नंबर यहाँ देना चाहता हूँ, तो यहाँ अगर मैं रोल लगाऊंगा तो दिक्कत क्या होगा सर?
कोई बात नहीं, इसमें माइनस सेवन कर दीजिए, क्या इसे ड्रैग कीजिए, हो गया ऊपर वाला है वो, उसको माइनस कर देने का। हाँ? ये ऊपर की जो रो है उसे माइनस कर, हाँ वही माइनस कर रहे, जैसे आपने आठ में रो पे लगा रहे हो तो सात माइनस कर दो। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, नॉमिनल माइनस कर रहे हो तो आठ माइनस कर दो, अगर मान लीजिए हाँ पे आप लगा रहे हो तो 99 माइनस कर दो। ओके सर, ओके सर, ठीक है, और सेम उसी तरह से आपके पास कॉलन का मामला कॉलन फॉर्मूला, जिसमें लगाओगे उसका कॉलन आएगा या जिसका रेफरेंस दे देंगे उसका कॉलन नंबर आएगा। तो आपको जो काम आपने रो नंबर के साथ वर्टिकली किया है वो कॉलम के साथ हॉरिजॉन्टली कर सकते हैं आप। और ठीक उसी तरह से एक रोज का फॉर्मूला है, वो बताता है कि आपने कितना एरिया को रोज जितने कितने रो आपने रेंज में ले रखे हैं, और सेम कॉलम्स फॉर्मूला बताता है कि कितने कॉलम्स आपने रखे हैं। ओके सर, ओके, तो ये हमारा फंक्शन में लुकअप फंक्शन था। तो इसमें हमने एड्रेस कर दिया, कॉलम कॉलम्स हो गया, अब इसमें हमारा लुकअप हो गया, ऑफसेट हो गया, उन्हें ऑफसेट तो नहीं किया बताऊंगा, तो लुकअप है ना, रेफरेंसेस कर रहे हैं, लो हो गया और हो गया। एक इसमें सिंगल फॉर्मूला है, एक नया फॉर्मूला है सिंगल, एक बार देख लेता हूँ क्या करता है सिंगल। सेम फॉर्मूला आ रहा है, तो ये लिंक की तरह हो गया सर, तो हम सिंगल देते हैं यहाँ पे, एक सिंगल फॉर्मूला जो कि लिंक की तरह काम करता है। मान लीजिए इसको इसको सिलेक्ट कर लिया, कुछ नहीं है बी टू पे, लेकिन 100 लिखेंगे तो आ जाएगा, अगर टेक्स्ट लिखा मैंने लिंक की तरह काम करता है। ठीक है, ये लिंक हो जाएगा ऐसा, जैसे हम नॉर्मली इक्वल करके करते हैं, इक्वल करके सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, ओके सर, क्लियर इसमें? हाँ सर, इसमें आपका गेट पिवट डेटा, गेट पिवट डेटा समझते क्या होता है? तो पिवट डेटा से बाहर के ज्वाइन करने के लिए यूज किया है मगर ज्यादा नहीं सर। इसके लिए मैं सबसे पहले मैं डेटा पिवट लगाता हूँ, इसमें पिवट टेबल, पिवट टेबल तो नहीं कराया ना सर? नहीं, पिवट टेबल नहीं किया सर, नहीं करा, मैं नहीं कराया ना, नहीं सर। अब इसमें हमने रोज में डाल दिए, मान लीजिए हम डाल देते हैं प्रोडक्ट नेम में, एक काम करता हूँ नेम डाल, और वैल्यू में हम डाल देते हैं क्वांटिटी का क्वांटिटी, राइट? ओके सर, ये आपका इनपुट आ गया। मैं इसको इससे लिंक करता हूं, तो बी थ्री दिख रहा है, इससे कोई फर्क इसको नहीं पड़ता है कि बी थ्री आपका पिवट का कविता का पार्ट है, लेकिन जब मैं इसको मान लीजिए शॉर्ट कर दूंगा, अगर इसको आपने शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट ए टू जेड और जेड टू ए, देख रहे 1731 मोहन का चेंज हो गया सर, चेंज हो गया ना। तो ये गेट पिवट डेटा आपका यहाँ पे क्या होता है, अब इसमें क्या है, वैल्यू वैल्यू नेम, तो हमने वैल्यू नेम बोल दिया,
पिवट सेल हमने बोला, ये ओरिजिनल कॉलम नेम, टेबल आइटम, यहां पे आप दे सकते हैं जैसे नीरज, ठीक है सर यहां पे ओके सर। तो अब नीरज कहीं भी जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अब नीचे उठ के आ जाए ऊपर उठ के आ जाए तो नीरज का फिक्स दिखाएगा सर, ठीक है तो उसके साथ ही चलेगा ये। पहला क्या दिया, पहला दिया वैल्यू नेम है, किसका संबंध सम ऑफ क्वांटिटी है, फिर आता है पिवट टेबल, आपका पिवट टेबल का स्टार्ट कहां से, तो मेरे नेम से है, और आपका पहल मैच किस कॉलम से करना है, तो मुझे नेम कॉलम से मैच करना है, और आइटम क्या है, तो नीरज है, अब नीरज की जगह पे मैं कुछ और कर दूं तो उसका दिखाएगा, फिर बिल्कुल की तरह वर्क कर जाएगा, पिवट में लुकअप लगाने का काम कर सकते हैं गेट पिवट डेटा से। ओके सर, तो गूगल सीट पे नहीं होता है, बट इस पे जाइएगा एक्सेल पे जाइएगा तो क्लिक करते ही आपका ऑटोमेटिकली ये लग के आ जाता है, गेट पिवट लग दे रहा है, ऑटोमेटिक लग के आ जाता है, ठीक है। ओके सर, लुकअप फॉर्मूला आज मैंने आपको कराया है, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, कल रेफरेंसेस फॉर्मूला कराया है, कल हम आपको लुकअप फॉर्मूला कराएंगे, जैसे कि वी लुकअप वगैरह जो है, ऑफसेट मैच वगैरह है, इंडेक्स वगैरह है, ये हम आपको कल कराएंगे। ओके सर, ओके सर, ठीक है, गुड नाइट सर, ओके सर।